सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पार्ट से पूछना है कुछ? ग्यारहवां खंड के दूसरे श्लोक में जो प्रार्थना बोले थे, न वै तत्र न निम्लोच न उदियाय कदाचन, ये वशु रुद्र आदित्य मरुत ये जो ब्रह्मचारी हैं इनके प्रार्थना है या जो मुमुक्षु है वो प्रार्थना कर रहा है? जो तीनों अवस्थाओं को पार कर गया वहाँ पर ना अस्त होता है ना उदय होता है, ये बताया था मैंने, द्वंद्वातीत। मतलब एक ऐसी भी स्थिति है ना मनुष्य की, आत्मा की, चित्त की, कि जहाँ एक रूपता ही बनी रहती है। जैसे उदाहरण दिया था धर्म मेघ समाधि का, कि प्रतिपल विवेक ख्याति बनी रहती है वहाँ। ऐसा नहीं है कि समाधि में है तब तक है, समाधि नहीं है तो नहीं है, वो समाधि में ही रहता है। तो जैसे धरती पे हैं तो प्रकाश कम दिखेगा, छत के ऊपर हैं तो ज़्यादा दिखेगा, उससे भी ऊपर गए तो और ज़्यादा दिखेगा, और जितनी हाइट के ऊपर फ्लाइट उड़ती है तो उतनी हाइट के ऊपर जाएं तो अस्त ही नहीं होगा, उससे भी ऊपर जाएं तो जैसे रॉकेट आदि हैं तो अस्त होगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे चित्त की भी स्थिति है, एक स्थिति अभी हम जो खड़े हैं तो चित्त में अंधेरे उजाले दोनों आते हैं, रात और दिन दोनों दिखते हैं। फिर थोड़ी साधना करें तो दिन ज़्यादा रहता है, सात्विकता अधिक रहती है, और ज़्यादा करें फिर और सात्विकता बढ़ती है। और एक योगी के चित्त की वो अवस्था है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक सात्विकता, समाधि की अवस्था, निर्वीज समाधि की अवस्था, कि उसमें चेतना का कभी अस्त होता ही नहीं है, आत्म सूर्य हमेशा उदय ही रहता है, सूर्य के सन्मुख अंधेरा हो नहीं सकता है। तो ये जो योगी है ये अपनी ही चेतना में जीता है, और इसकी अपनी चेतना कैसी है? ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उसी स्वरूप में जीता है। तो उसके लिए बताया कि वहाँ पर न निम्लोचती न उदयती, न अस्त होता है न उदय होता है। जी प्रणाम दीदी। दीदी जी यहाँ नवे खंड में पहला मंत्र है, अथ यत् चतुर्थम अमृतम तत् मरुतः उपजीवन्ति सोमेन सुखेन मुखेन। सोमेन मुखेन, पूरा मंत्र बोल दो एक बार। अथ यत् चतुर्थम अमृतम तत् मरुतः। हाँ, जो आदित्य ब्रह्मचारी से भी आगे की अवस्था है, 48 वर्ष के बाद भी कोई और ज़्यादा उसमें प्रवेश करता जा रहा है आध्यात्मिकता में, तो फिर वो बन जाता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उसको मरुत कहते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी। फिर तो उसका जो है मुख सोम बताया है, सौम्य, सोमेन मुखेन। तो वो सौम्यता है वो इसकी आध्यात्मिकता की है, इसके ब्रह्मचर्य की है, यही आध्यात्मिक अर्थ है उसका। आत्मा को अधिकृत करके ही कहा जा रहा है ना, तो आत्मा जब 48 साल के बाद भी एक ब्रह्मचर्य का जीवन जी रही है, साधना का, उससे भी उच्च साधना का जीवन जी रही है, तो साधक कैसा होगा? सौम्यता की तरफ अभिमुख होगा,
इसके शरीर से, इसकी वाणी से, इसकी दृष्टि से, शब्दों से, इसके अंग प्रत्यंग से सौम्यता दिखाई देगी आपको। तो ईश्वर का एक रूप सौम भी है ना, तो उस रूप की तरफ ये अभिमुख होगा। सौमेन मुखेन, सोम मुख के द्वारा सौम्यता की तरफ। अथ यत् चतुर्थम अमृतम तत् मरुतः उपजीवन्ति सोमेन मुखेन नैव देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। देव जो हैं खाने पीने में आसक्ति नहीं रखते हैं, बल्कि इस मुख को देख करके ही, ईश्वर का जो सौम्य रूप है उसको सामने रख करके ही तृप्त रहते हैं कि मैं भी ऐसा बनूं। ओम दीदी, पंचमें अमृत के बारे में बताया कि वो साध्य ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन चौथे अमृत के विषय में बताया कि जो मरुत ब्रह्मचारी होते हैं वो 48 वर्ष से फिर मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। तो साध्य ब्रह्मचारी की आयु, उसके ब्रह्मचर्य काल को किस तरह समझेंगे? साध्य का मतलब है जो अभी सिद्ध नहीं हुआ, उसको साध्य कहते हैं। साधना की सांसारिक दृष्टि से तो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन फिर भी सब कुछ पा लिया अब कुछ भी पाना शेष नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाने के लिए हमेशा अनंत हमारे सामने रहता ही है, कितना भी ज़्यादा हम पा लें तो भी हमने सब पा लिया ऐसा नहीं है। जैसे जिसने मोक्ष को पा लिया तो उसने सब कुछ पा लिया ऐसा नहीं है। उसकी जितनी सामर्थ्य थी, मतलब उसकी सामर्थ्य उससे ज़्यादा पाने की नहीं है आत्मा की, लेकिन उसने सब कुछ को पा लिया ऐसा नहीं है। ईश्वर तो अभी भी अनंत बचा हुआ है, उसने तो एक अंश को पाया है, पर उसकी सामर्थ्य इतनी ही है। समुद्र में से आपने एक लोटा भर लिया तो सारा समुद्र आपके लोटे में आ गया ऐसा नहीं है, पर आपके लोटे की सामर्थ्य इतनी ही थी, जितना लोटे में आ सकता था वो आपने उसको पूरा भर लिया। तो आप अपनी दृष्टि से कह सकते हैं कि अब और कुछ भी पाना शेष नहीं है, मैंने पूरा भर लिया। लेकिन समुद्र की दृष्टि से तो अनंत बचा है अभी, तो उसी को साध्य कहा है यहाँ पे। उस साध्य को सामने रख करके ये आगे साधना करते हैं। बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन तो भी उनको जो बचा हुआ है वो दिखता है अनंत। ऐसे मरुत ब्रह्मचारी में और साध्य ब्रह्मचारी में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? उससे भी थोड़ी सी ऊंची स्थिति है मरुत से भी। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि 48 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक जो रहते हैं केवल मरुत ब्रह्मचारी, वो साध्य भी हो सकते हैं? हाँ, साध्य भी हो सकते हैं। चेतना की स्थिति है, चेतना की स्थिति, मरुत भी है साध्य भी है, वो किस स्थान पे खड़ा है उस पे। ओम दीदी, ये जो पांचवा अमृत है अन्नाद्य, ये अन्न आदि है या अन्नाद्य पूरा शब्द है? अन्नाद्य शब्द है, अन्नम अति इति अन्नाद्य। तो उसका अर्थ किस तरह से? अन्न को जो खाता है, अन्न को खाने योग्य, खाने वाला, खाने वाले। ओम दीदी, ये इसमें न वै देवाश्नन्ति न पिबन्ति एतत् एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। तो इसमें कहता है कि देवलोक खाने पीने से नहीं, अमृत के दर्शन से तृप्त रहते हैं। फिर उधर ब्रह्मचारी का वर्णन है, तो ब्रह्मचारी और देव से यहाँ क्या संबंध है? देव ही होता है ब्रह्मचारी, देवत्व की सबसे प्रथम अवस्था ब्रह्मचारी है। और ये जो सारा ही ब्रह्मचर्य का वर्णन है उसमें वसु ब्रह्मचारी है, वो देवत्व की प्रारंभ अवस्था है। फिर दूसरा देव है रुद्र ब्रह्मचारी, तीसरा देव है आदित्य ब्रह्मचारी, चौथा देव है मरुत ब्रह्मचारी, पांचवा है साध्य। और ये जो ब्रह्मचर्य पालन का जो काल है वो आयु से संबंध है या पालन से संबंध है? शरीर की तो आयु है, तो उस दृष्टि से भी देखते हैं। और क्या पूछा आपने?
जैसे कि 24 साल तक पशु ब्रह्मचारी, तो 24 साल जैसे कि बाद में भी वो पालन करेगा 24 साल तक आपको जन्म से करेगा, तो इसका मतलब जैसे हम लोग तो जितना ब्रह्मचारी का गुण है उतना तो कर पाए नहीं और 24 साल आयु पार भी हो गया तो अब शुरू कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं ना? हाँ तो हाँ ऐसे हो तो हम वसु कहलाएंगे या आदित्य? ना वसु कहलाओगे, वसु कहलाओगे। मतलब पालन संबंध है। हाँ उस स्थिति में रहने का नाम है। को 30 वर्ष में शुरू करे ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले तो उसका वसुकाल 30 वर्ष से शुरू होगा। फिर ये उनके लिए अच्छा प्रश्न है, हंस क्यों रहे हो? उसको लगता है कि भाई आयु तो हो गई 50 साल की 48 साल की और ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है वसु कैटेगरी वाला, तो अब हम वसु हैं कि आदित्य हैं? अच्छा है प्रश्न। तो ये उनके लिए विधान बता रहे हैं जो मतलब जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना। अब बच्चे को पता ही नहीं झूठ क्या होती है, वो कहता है ये झूठ क्या होता है? वो कहते हैं जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताना, ये सत्य है, ये डेफिनेशन देनी होती है बच्चे को। तो बच्चे को लगता है जो चीज जैसी है उसको वैसा ही बताना, क्या अन्य कुछ भी बताया जा सकता है क्या? तो बोला हम उसको सोचने पे बाधित कर रहे हैं। तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जो चौकोर चीज है इसको चौकोर ही बताना, ये सत्य है। तो कहेगा चौकोर को गोल कैसे बताया जा सकता है? चौकोर को तो चौकोर ही बताएंगे। तो जब तक हम सिखाते नहीं हैं तब तक उसके दिमाग में नहीं आएंगी ये चीजें। तो हमारे समाज की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उसमें 7-8 वर्ष में तो भेज देते थे, 5 वर्ष में वो अलग अलग बच्चे की सामर्थ्य उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार 4 वर्ष में भी भेजा जाता था, 6 वर्ष में भी और 8 वर्ष अंतिम, 8 वर्ष के बाद घर में नहीं रहेगा। तो वहीं से ही 8 वर्ष तक तो ब्रह्मचारी है ही है, बच्चा तो पवित्र है, भगवान का रूप है, उसके बाद गुरुकुल में उसका शुरू हो जाता था। तो फिर उस दृष्टि से 24 वर्ष वसु ब्रह्मचारी के लिए यहाँ पर गिने गए हैं। लेकिन अब कोई घर से ही 20 साल में निकला है और उससे पहले उसको पता ही नहीं था कैसे जीवन जिया जाए, तो इसका वसु ब्रह्मचर्य का काल 20 साल से शुरू होगा। फोर्टी फोर नहीं, फिर आगे 12 और जोड़ दो, 20 साल का आया तो 44 साल हो गए ना इसको तो वसु ब्रह्मचर्य पूरा करने में, फिर उसके आगे और जोड़ दो, 12-12 साल जोड़ते जाओ, हो गया। चले ओके। तो ये पांचों अमृत इन्होंने बताए और एक प्रश्न था जो किसी ने भी नहीं पूछा, न वै देवा अश्नंती न पिबंती, देव ना खाते हैं ना पीते हैं, कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये हमारे यहाँ सबसे पहले तदह एतद् ब्रह्मा प्रजापतये उवाच, तदह एतद् ब्रह्मा प्रजापतये उवाच प्रजापतिर मनवे मनु प्रजाभ्यः, तदह एतद् उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्मा प्रोवाच। पीछे सुन रहा है, इस ब्रह्म विद्या को सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापति के लिए बताया, प्रजापति ने मनु के लिए बताया, मनु ने सब प्रजाओं के लिए बताया और उन प्रजाओं में कालक्रम से आगे बढ़ते हुए इस विद्या को आरुणी नामक ऋषि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र उद्दालक के लिए बताया। ये आरुण था कि अरुण था? ऋषि अरुण ऋषि है ना, अरुण का आरुणी, जैसे दशरथ का दशरथ ही बन गया राम, तो अरुण ऋषि ने अपने पुत्र उद्दालक आरुणी के लिए इस विद्या को बताया। यही परंपरा गीता में भी बताई है, भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहले इस विद्या को मैंने किसको बताया,
और फिर वो अर्जुन पर्यंत आते हैं कि वही विद्या मैं आज तुझे बता रहा हूँ। तो यही क्रम है वहाँ भी। अब ये कह रहे हैं इदम वैव तज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् प्रणायाय वा अन्तेवासिने। करें इस विद्या की यदि रक्षा करनी है तो ये प्रत्येक पिता का कर्तव्य बनता है कि वो कम से कम अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो जरूर दे। घर में एक व्यक्ति को भी दी तो हर घर में बची रहेगी ना। वो सारे पुत्रों को दें तो बहुत अच्छी बात है, सारे पुत्र यदि नहीं लेना चाहें तो ज्येष्ठ पुत्र को जरूर दे। तो ज्येष्ठ पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात् और प्रणायाय वा अन्तेवासिने। और यदि कोई किसी ने शादी नहीं की, उसका पुत्र है ही नहीं कोई, तो वो किसको बताए। यहाँ जानना सबके लिए अनिवार्य है, बताना ज्येष्ठ पुत्र को जरूर बताएं। तो ज्येष्ठ पुत्र जिसके नहीं हैं, जो ब्रह्मचारी हैं सन्यासी हैं, वो किसको बताएं। प्रणायाय अन्तेवासीन, जो विनम्र अन्तेवासी है, जो इसके रक्षा कर पाएगा, ऐसा जो आज्ञाकारी अन्तेवासी है, शिष्य है, उसको जरूर बताएं। तो इससे ये पता लग रहा है कि बार बार शास्त्र में, ये कठोपनिषद में भी आई है ये बात, कि अनधिकारी को ये विद्या कभी नहीं देनी चाहिए, सुपात्र को ही देना चाहिए, सुपात्र में ही ज्ञान ठहरता है, वरना तो फिर वो बिखेर देगा उसको। यदि सुपात्र नहीं है तो इस विद्या का गौरव ही चला जाएगा, लोग कहेंगे देखो इनको भी पढ़ाया था, ये भी सब दर्शन उपनिषद गीता वेद सब पढ़े हुए हैं, और इनको देख लो इनका जीवन, तो फिर वो विद्या ही क्या हो गई, निंदित तो हो गई। तो इसलिए यहाँ पर उन्हीं शिष्यों को देने का विधान किया है जो आज्ञाकारी हैं, विनीत हैं, सुपात्र हैं। और इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र के लिए कहा, ये नहीं कहा कि सब संतानों को दे देना, तो कम से कम एक को जरूर ऐसा पात्र बनाना कि उसमें वो विद्या फलीभूत हो, तो कम से कम वंश परंपरा तो नहीं टूटेगी, नहीं तो वंश खंडित हो जाते हैं ना। अच्छे वंश में बुरे पैदा हो गए और उनको हमने ये सिखाया ही नहीं, बुराई को हटाया नहीं, तो फिर अच्छाई का वंश वहीं ख़त्म हो गया। तो ऋषि विद्या यदि ऋषियों ने अपने शिष्यों को नहीं बताई, एक को भी बता दिया, मान लो एक ऋषि ने एक को भी ऋषि बना दिया, तो परंपरा चलती रहेगी, वंश तो चलेगा। सारे ऋषि बने तो बहुत अच्छी बात है, सारे ना बने तो कम से कम किसी एक आज्ञाकारी अंतेवासी को, विनम्र अंतेवासी को तो अवश्य ही इस विद्या का आधान करना चाहिए, ताकि ऋषियों की ये परंपरा खंडित ना हो, ये इसका अभिप्राय है। और दूसरा ये भी अभिप्राय है कि अपात्र को नहीं देना, नहीं तो उसका गौरव चला जाएगा। तो जो कहा जाता है ना कि गुरु मंत्र कान में देना चाहिए, उसका ये ही है। वो ठीक है दूसरे लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और खंडन करने वालों ने भी कुछ बढ़ा चढ़ा के खंडन किया, लेकिन वास्तव में वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है। वो बात निरुक्त में भी आई है, ये वेद मंत्र में आई है कि विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास गई, मंत्र बोल रहा है ये, कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर रहा है। और उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे व्यक्ति को मत देना, वहाँ पर उसके दुर्गुण गिनाए हैं, मुझे उसको देना जो ऐसा ऐसा हो, तो वहाँ पर उसके गुण गिनाए हैं। तो ये सर्वथा निराधार नहीं है ये परंपरा, परंपरा तो सही है सुपात्र को ही देना, तो फिर सबको चाहिए ये, तो फिर सबको सुपात्र बनना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म के बिना हमारे यहाँ शिक्षा को अधूरी माना जाता था। कितना भी किसी ने पढ़ लिया, कितनी भी डिग्रियाँ ले ली, कितने भी डिप्लोमाज कर लिए, कितना भी उसको कंठस्थ है, 10,000, 20,000, 50,000 सूत्र याद हैं, सारे वेद दर्शन उपनिषद याद हैं, तो भी यदि वो आध्यात्मिक नहीं है तो उसकी विद्या अधूरी मानी जाएगी। ऐसा हमारे यहाँ था, गौरव सबसे ज़्यादा गौरव उसी को दिया जाता था जो वैसा जीता है, जो ऋषि कोटि का, जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, वो सबसे उत्कृष्ट कोटि का
ज्ञानी माना जाएगा। यहाँ कनिष्ठ को भी दे सकते हैं, एक तो कहना ही था। यदि यहाँ कनिष्ठ कहते तो आप बोलते कि ज्येष्ठ को क्यों नहीं देना। हाँ ऐसे भी बोल सकते थे, पर अगर हो ही एक ही, क्योंकि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका लालन पालन सबसे ज्यादा अच्छे से किया जाता है, बाद में तो बच्चे पैदा होते रहते हैं ऐसे, सबसे ज्यादा ध्यान ही। खैर अभी तो होते ही दो ही हैं, तो एक बड़ा एक छोटा, तो छोटे वाले पे भी ज्यादा ध्यान होता है, उसको सब लाड़ प्यार करते हैं, बड़े वाले पे भी होता है, बीच वालों की कोई गिनती नहीं है। पहले होते थे ना बीच में भी, अभी तो दो ही हो गए। ठीक है, आप में से सबसे बड़े कौन कौन है, आप में से जो अपने उसमें बड़े हैं? हाँ ये बड़े हैं, देखो तो आपको पता है कि आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपको क्या पता, आपके माता पिता को पता है? आप तो छोटे थे, आपको थोड़ी पता है। और सबसे छोटे कौन है? हाँ ये सबसे छोटे वाले हैं, सबसे छोटे के भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर बस इतनी बात है कि कम से कम एक को जरूर बताना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो, ताकि ये परंपरा बनी रहे, उसका ह्रास ना हो, उसका खंडन ना हो। आगे देखो कह दिया इसकी कितनी महत्ता है इस विद्या की। न अन्यस्मयी कस्मैश्चन यद्यपि अस्मयी इमाम अद्भि परिगृहीताम धनस्य पूर्णाम दद्यात् एतदेव ततो भूय इति एतदेव ततो भूय इति। कह रहे केवल इन्हीं को देना। अब या तो यहाँ ज्येष्ठ का अर्थ ये लिया जाएगा जो योग्यता में ज्येष्ठ है, सुपात्र है, तो इन दो को ही देना ऐसे कह रहे हैं। ज्येष्ठ को देना या तो आज्ञाकारी शिष्य को देना, उद्दंड शिष्य को भी नहीं देना, नहीं तो पता नहीं कहाँ उसका दुरुपयोग करेगा। तो बंदर के हाथ में तलवार नहीं पकड़ाई जाती है ना, पता नहीं कब किसको काट दे या अपने आप को काट ले। तो न अन्यस्मयी कस्मयी चनई कस्मयी चन, अन्य किसी के लिए इसको मत देना। यद्यपि अस्मयी इमाम अद्वि परिगृहिताम धनस्य पूर्णाम दद्यात्। कह रहे हैं इस ज्ञानी के लिए, ये जो ब्रह्म विद्या को जानता है, इसके लिए यदि कोई अद्वि परिगृहिताम धनस्य पूर्णाम इमाम दद्यात्, यदि कोई जल से चारों तरफ अद्भि परिगृहिता, जल से घिरी हुई, ये सारी पृथ्वी जल से घिरी हुई है ना, जल से घिरी हुई और पूरे धन धान्य से परिपूर्ण, धनस्य पूर्णाम, पूरे धन धान्य से पूर्ण, पूरे जलों से घिरी हुई ये सारी पृथ्वी भी अगर उस ब्रह्म ज्ञानी को कोई दे दान में, ये सारी पृथ्वी ले लो और मुझे ये ब्रह्म विद्या दे दो, तो भी नहीं देनी चाहिए। तो कितनी वैल्यू है इसकी, क्योंकि इसको दे कौन सकता है? जिसने वैसा जिया है वो तो दे सकता है, और जिसने इसको जिया है उसने कितना तप किया होगा इस विद्या को जीने के लिए। एक एक क्षण मरना पड़ता है, एक एक पल अपनी सारी कामनाओं को इच्छाओं को मारना पड़ता है, दूसरों से जो भी अपमान मिले सम्मान मिले उसको सहना पड़ता है। सरल नहीं है ये, बहुत कठिन है। कठिन तब पड़ जाती है जब पीछे के संस्कार बाधा डालते हैं, और सरल तब हो जाती है जब पीछे कुछ बाधा नहीं है, तो फिर सरल भी बहुत है। तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसको देने वाला जो व्यक्ति, अर्थात इसको जीने वाला जो गुरु है, उसको यदि कोई कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना दे, तो भी वो कुपात्र को ना दे इसको, और वो देगा भी नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो बाहर की चीज़ें हैं उनका कोई मूल्य नहीं है, उसके लिए सबसे कीमती ये है। तो वो कहेगा कि आप मेरे को सारी पृथ्वी क्या तीनों लोक भी दे, तो भी मैं आपको ये विद्या नहीं दे सकता हूँ। ऐसे थे हमारे यहाँ के ऋषि,
वो किसी के प्रलोभनों से झुकते नहीं थे। आगे आएगी गाड़ीवान रैक की कथा। राजा ने उनके पास बहुत धन धान्य लेकर के गए और कहा कि हमें उपदेश दो। उन्होंने देखा भी नहीं और कहा कि शूद्र चले जाओ यहाँ से। और कोई राजा को ऐसे बोल दे शूद्र, कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन ऋषि बोल सकता है क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा न अन्यस्मयी कस्मयी चन यद्यपि अस्मा अस्मयी। यहाँ अस्मयी का अस्मा बना है, आय आदेशों के यह का लोप हो रहा है। अस्मयी इमाम अद्भि परिगृहिताम धनस्य पूर्णाम दद्यात् एतदेव। इसके लिए, इस ब्रह्म ज्ञान के लिए एतदेव ततो भूय। तो इस सारी धन से पूर्ण पृथ्वी से भी ज्यादा ये ब्रह्म ज्ञान है। दोनों को रखा जाए दो साइड में, पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण और इधर ये ब्रह्म ज्ञान, तो कौन ज्यादा भारी है? ब्रह्म ज्ञान। एतदेव ततो भूय, ये ब्रह्म ज्ञान ही उससे ज्यादा भारी पड़ेगा। इति एतद एव, इसीलिए ततो भूय इति, क्योंकि ये उससे ज्यादा कीमत वाला है। वो सारी पृथ्वी दे करके भी इसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। इसकी कीमत कैसे चुकाई जा सकती है? सुपात्र बन करके, जैसा गुरु है वैसा ही शिष्य भी बने, तो फिर उसमें गुरु सहज ही इसका आधान कर देता है ब्रह्म विद्या का। ये ब्रह्म विद्या लेने का भी तरीका भी बता दिया हमें, हट से नहीं मिल सकती है। बाहर की चीज़ें तो झगड़ा करके मिल सकती हैं। पिता ने कोई संपत्ति नहीं दी पुत्रों को, तो पुत्र क्या करेंगे? कोर्ट केस करेंगे, मैं भी इनका पुत्र हूँ, आधा आधा देना चाहिए मुझे भी, कोर्ट दिलवा देगा। गुरु से कोई नहीं ले सकता है, ज्ञान को नहीं ले सकता है कोई, और ऐसे ही पिता से उसके प्रेम को नहीं ले सकता है, उसके आशीष को नहीं ले सकता है, आशीर्वाद को नहीं ले सकता है। उनके अंदर जो ये ब्रह्म विद्या है उसको कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता है। तो यहाँ उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे जब पिता ही गुरु भी बना हुआ है। ये तो एक तो अभी आ गया, अरुण ऋषि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आरुणी उद्दालक के लिए कहा, तो वो उनके गुरु भी बन गए। ऐसे ही आगे आएगा श्वेत केतु वाला प्रसंग, तो ऐसे प्रसंग आएंगे। उससे ये भी पता लगता है कि जो गृहस्थ थे वो भी ब्रह्मविद थे, वो ब्रह्म विद्या को जानने वाले थे, ब्रह्मवेत्ता थे वो। तो इससे हमारे समाज का भी एक झलक मिलती कि कैसा समाज रहा होगा। हम सुनते हैं ना, हिमाचल में तो अभी तक 30-40 साल पहले तक भी कोई ताला नहीं लगाते थे, और 15 साल पहले शिविर लगाने शुरू किए। तो हमारे एक योग शिक्षक बताता था कि वो आते थे अपने घर से और वहाँ साइकिल खड़ी करते थे ऐसे ही चौराहे के ऊपर, फिर अपनी ड्यूटी पे जाते थे और फिर शाम को साइकिल लेके घर चले जाते थे। सुबह 4 बजे आते तो साइकिल पे आते, फिर वहीं योग सिखाते, वहीं से सीधे ड्यूटी पे चले जाते। कोई उनकी साइकिल लेता ही नहीं था, अभी तो 2 घंटे में उठा ले जाएंगे, ताला लगाना पड़ता है, ताला लगाएं तो भी तोड़ के ले जाएंगे, ताले सहित भी उठा ले जाएंगे। अभी साइकिल के तो बात कहाँ है, गाड़ी को ले जाते हैं अभी। तो पहले घरों में ताले नहीं लगाते थे, ऐसे भारत की परंपरा थी, ताला पता ही नहीं, सबके ऐसे ही खुले रहते थे। धन धान्य से भरे हैं सबके घर, खाली भी नहीं है। और सोना चांदी आदि जो बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं वो सब भगवान के चरणों में रख देते थे। मंदिरों में सबसे ज्यादा सोना चांदी होता था कि हमारी तिजोरी तो यही है, तो इनके चरणों में सुरक्षित है, तो वहाँ रख देते थे, और जब वहाँ से चाहिए तो उठा लाते थे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डाके किस पे पड़े? मंदिरों पे पड़े, ज़्यादा खतरे में भगवान जी आए सबसे पहले। तो ये जो उपनिषदों का वर्णन है ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता रहा है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहा है, राष्ट्र की व्यवस्था के बारे में बता रहा है, और व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहा है कि जीवन मूल्यों को व्यक्ति कितना सम्मान देते थे। ये एक प्रसंग पूरा हुआ, अभी गायत्री की महिमा है आगे, इसको आगे हम पढ़ेंगे। यही पाठ को विराम देते हैं। ओ
शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।